छोटी छोटी कहानियाँ जीवन को सरल एवं सुगम बनाती है। ऐसी ही कई हिंदी कहानियाँ एवं प्रेरणादायक प्रसंग यहाँ लिखे गए, इन्हें पढ़े एवं अपने जीवन से नकारात्मक भाव को निकाले और खुशहाल जीवन की तरफ कदम बढ़ाए। प्रेरणादायक प्रसंग, कैसे किया माता पिता ने अपने पुत्रों का मार्गदर्शन। एक राजा और रानी थे जिनकी प्रजा बहुत खुश थी। राजा रानी ने सदैव प्रजा के हित में कार्य किए। उनके दो पुत्र थे लव एवं कुश। दोनों के विचारों में बहुत मतभेद था, जिस कारण वे दोनों सदा ही लड़ते रहते थे। दोनों बहुत बलवान एवं गुणी थे, लेकिन उनकी आपसी लड़ाई राजा रानी के लिए चिंता का विषय था। दोनों पुत्रों को राजकाज संभालना था, ऐसे में उनके बीच मतभेद उनका ही शत्रु था। एक दिन राजा रानी ने दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझाने की योजना बनाई। लव और कुश को एक बाग में बुलवाया गया और उनकी आंख में पट्टी बांधकर उन्हें बाग में बनी एक दीवार के पास ले जाया गया। उस दीवार की एक तरफ सूर्य की किरणें पड़ने से वह गर्म थी और दूसरी तरफ छाया होने से उस ओर ठंडक थी। लव और कुश को दीवार के विपरीत और खड़ा किया गया और पूछा गया कि उन्हें क्या एहसास है, ठंडक या गर्म। दोनों ने विपरीत जवाब दिए। अब उनकी जगह बदल कर उनसे वही सवाल किया गया। फिर दोनों ने एक दूसरे के पूर्व दिए जवाब को दोहराया। अब उनकी पट्टी खोलकर उन्हें राजा ने समझाया, हर परिस्थिति में हमारी व्यक्तिगत सोच भिन्न होती है, पर एक दूसरे की स्थिति को समझकर और अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोचे तब पता चलता है कि सामने वाले का कथन भी अनुचित नहीं था। उस दिन से लव और कुश ने एक दूसरे की सोच को सम्मान दिया और राज्य के उत्तरदायित्व का सहकुशल वहन किया। दृष्टिकोण भिन्न होना शत्रुता का कारण नहीं। कभी कभी जीवन में सही निर्णय लेने के लिए अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सोचना चाहिए। हमेशा खुद को सच मानना गलत है। जीवन एक दृष्टिकोण पर नहीं चलता, भिन्न भिन्न परिवेश में भिन्न भिन्न लोगों का समावेश है, अतः सबके विचारों का सम्मान करना ही सही जीवन है। विचार भिन्न होने के कारण शत्रुता बढ़ाना गलत है।